Hello and welcome to 4Spokes. Mera naam hai Vaibhav and I'll be bringing you stories and insights from the biking world straight from the bikers. तो आज हमारे साथ है अंकित. हाय वैभव, मेरा नाम है अंकित और आपको पता ही है. वैसे तो मैं यूट्यूब पे हूँ और यूट्यूब पे मेरे चैनल का नाम है ड्रीम चेजर, आपको पता ही. और मेरे ज़्यादातर जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, मुझे सारे ड्रीम चेजर के नाम से ही जानते हैं. और बाइकिंग करना पसंद है, मोटरसाइकिलिंग करना पसंद है. पिछले कुछ सालों से मतलब थोड़ा सा दीवाना कह सकता हूँ हो चुका हूँ बाइकिंग को लेकर, मोटरसाइकिलिंग को लेकर, वो आप जानते हो अच्छी तरह से. तो इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूँ सारी अपनी दिल की बातें आपके साथ शेयर करने के लिए कि कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे मैंने अपने आप को बिल्ड अप किया है और आज आपके साथ मुझे बात करने का मौका मिल रहा है. क्या बात है, चलो फिर शुरू करते हैं. बिल्कुल. तो मोटरसाइकिलिंग कैसे शुरू हुई? यार मोटरसाइकिलिंग में आपको बताऊं, मैं जहां तक मुझे याद आता है 2009 या 2010 में मेरे एक फ्रेंड के पास पैशन हुआ करती थी, पैशन बाइक होती थी. तो हम वो लेके मस्ती तफरी करते थे, बहुत घूमते थे, इन्जॉय करते थे, मस्ती करते थे, लेकिन कभी रूल्स फॉलो नहीं करते थे, जो मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ. और एक आध बार पुलिस ने भी पकड़ाया, कभी हेलमेट नहीं होता, लेकिन हम जो करते हैं ना वो क्या बोलते हैं स्वैगबाजी, वो नहीं करते थे, स्टंट्स कुछ नहीं, घूमते थे, इन्जॉय करते थे. और मुझे नहीं पता था तब मेरा बाइकिंग का इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा. 2013 में शायद मैं मसूरी गया था, मैंने एवेंजर बाइक एक देखी थी टेरेस पे खड़ी हुई, मैं उसके ऊपर बैठा, फ़ोटो क्लिक कराई. मुझे नहीं पता था वो फ़ोटो मेरे माइंड को इतना फोकस कर देगी मोटरसाइकिलिंग का लेकर कि मैं इतना डेडिकेटेड हो जाऊँगा मोटरसाइकिलिंग को लेकर. एंड 2015 की जहाँ बात आई तो मेरी फर्स्ट लद्दाख की राइड 2015 में हुई और कैसे मैं यहाँ तक आया वो सब सफर मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज. तो मैंने सुना था कि एक राइडर ही दूसरे राइडर को इम्प्रेस करता है या मोटिवेट करता है राइडिंग करने के लिए, पर पहली बार सुना कि मोटरसाइकिल ने एक बंदे को राइडिंग करने के लिए. मेरे साथ यही हुआ है. तो बहुत ही अच्छी बात है. तो सेकेंड चीज जो मोटरसाइकिलिंग के बाद आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक दैट इज योर ऑनलाइन प्रेजेंस, आपका यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर. बिल्कुल. तो ड्रीम चेजर जो कॉन्सेप्ट है इसकी शुरुआत कैसे हुई सबकी? मैं वही बताता हूँ आपको. जब 2015 की मैं लद्दाख की बात कर रहा था, मुझे टू बी वेरी फ्रैंक नहीं पता था लद्दाख क्या चीज है. इतना पता था लद्दाख है और लोग बाइक पे जाते हैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता था. एंड मुझे आज भी डेट याद है, 13 मई 2015 की बात थी. मेरी जो फर्स्ट लद्दाख की राइड स्टार्ट हुई थी और उससे एग्जैक्ट एक महीने पहले मेरी लाइफ इतनी बोरिंग हो गई थी, मैं अपने काम में इतनी बुरी तरह स्टक था ना, मैं बता नहीं सकता. एंड 13 मई से पहले अप्रैल की बात करूँ, अप्रैल मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार कहीं घूमने जाना है. उसने कहा कहाँ का प्लान कर रहा है. मैंने उसी वक्त गूगल खोला, 15 places टू ट्रैवल मैंने सर्च किया इंडिया में कहाँ घूम सकते हैं. मुझे पहला जो दिखा वो दिखा ले मनाली हाईवे. मुझे नहीं पता था ले मनाली हाईवे क्या होता है. मैंने प्लान बनाया, ठीक है अपन चलते हैं मनाली, वहाँ से बाइक रेंट करेंगे. जैसे तैसे पापा को मम्मी को कन्विंस किया सिर्फ मनाली के लिए, ये मेरा फैक्ट है, मैंने मनाली के लिए बोला. क्योंकि अगर मैं बोलता ना मेरे को लद्दाख जाना है तो मुझे 2 थप्पड़ पड़ते और मुझे घर पे बिठा देते कि चुप हो जा, तूने आज तक बाइक तो चलाई नहीं ढंग से, तेरे पास आज की डेट में अपनी पर्सनल बाइक तो है नहीं. क्योंकि मुझे कभी इतना इंटरेस्ट था नहीं, वो तो मैंने आपको बताया मेरी लाइफ इतनी बोरिंग हो गई थी कि मुझे कुछ करना था. एंड बस वहीं से हम, मैं और मेरा फ्रेंड गए मनाली, वहाँ से पापा को फ़ोन किया, पापा मैं लद्दाख जा रहा हूँ. और उस सिचुएशन में आप खुद देखो, अगर कोई भी फादर होगा तो वो क्या करेगा, डांटेगा अगर तो वो ज़िद करके जाएगा बच्चा, और अगर नहीं डांटता प्यार से कहता है ठीक है आराम से जाना तो वो कॉन्फिडेंस है. तो वही मेरे पापा ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, अंकित क्यों कर रहा है, क्या करना है वहाँ, पता नहीं कैसी रोड्स हैं, मत जा, चल जा रहा है, तेरे को पैसे चाहिए ये वो. हाँ पापा पैसे तो कम थे ऑब्वियसली मेरे को पास, ठीक है मैं बैंक में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तेरे पैसे, ध्यान से जाइयो और ध्यान से आइयो. तो ये मेरी बाइकिंग जर्नी की जो स्टार्ट हो सकती है तो वो ये थी. और ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आज तक मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करी. एंड थैंक यू यार मुझे वो सारी बातें दोबारा याद दिलाने के लिए. वह ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है. तो मतलब कब से, मतलब यूट्यूब आपने स्टार्ट किया 2017 से मैंने बेसिकली स्टार्ट करी है यूट्यूब की. और वो स्टार्ट भी मेरी बहुत अजीब सी थी. 2015 में मैंने जैसे बताया मैं लद्दाख गया था तो मेरे को नहीं पता था एक्शन कैमरा क्या होता है. मैं जब बाइक पे जा रहा हूँ लोगों को, लोग मुझे बाइक पे चलते चलते यू नो बाइकर्स का होता है एक दूसरे को वेव करते हैं, मुझे नहीं पता था वहाँ से साइड से जब ऑपोजिट साइड से कोई आता था वेव करता था तो मैं भी वेव करता था. मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है. तो एक वेव करा और मैंने ध्यान दिया उनके हेलमेट के ऊपर कुछ लगा होता था, मुझे नहीं पता था वो एक्शन कैमरा होता है.
मैंने अपने फ्रेंड से पूछा तो उसने कहा कोई कैमरा होता होगा भाई, क्योंकि 2015 में आपको पता है यूट्यूब इतने हाई लेवल पे नहीं था इंडिया में, ना इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा थी, जियो ना था, ताकि इतना लोग इतना यूट्यूब देखते भी नहीं थे, तो पता ही नहीं था एक्शन कैमरा क्या चीज़ होती है। तो वहाँ से फिर पता लगा कि यार ये एक्शन कैमरा होता है, और घर आके 2016 की बात है या 15 की एग्जैक्ट 2016 की बात है, घर पे बैठा हुआ था, मेरे पास आज भी सारा डाटा पड़ा है फ़ोन का जितना मैंने शूट किया था। मुझे नहीं पता था व्लॉगिंग क्या होती है, बट मैंने उस समय व्लॉगिंग करी, मेरे पास वो आज भी फुटेज है। मुझे सच में नहीं पता व्लॉगिंग क्या होती है, मैंने सारी फुटेज आज भी मेरे पास है। 2016 में मैं एक बार घर पे रात को बोर हो रहा था, तो मैंने ऐसे सर्च किया लद्दाख, तो मुझे मुंबई का निखिल की वीडियो दिखी। मैंने वो वीडियो देखी तो मैंने कहा अरे ये जो कर रहा है ये तो मैंने एक साल पहले किया हुआ है ये तो मैंने किया हुआ है और ऐसे ही किया है, मैंने व्लॉगिंग करी है लेकिन मैंने कभी अपलोड नहीं किया वीडियो, मेरे पास एक्शन कैमरा नहीं था, मेरे पास सारा फ़ोन का डाटा पड़ा हुआ है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने शायद वो गलती करी थी, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जाना चाहिए था और मैं भी शायद ऐसा कुछ कर सकता था। तो ये कह सकता हूँ कि अगर मोटी बात करूँ तो निखिल वो बंदा था, मुंबई का निखिल, जिसका वीडियोस देख के मुझे लगा अरे ये तो मैं यार कर चुका हूँ, मुझे ये ही करना है। तो इस हिसाब से बोल सकता हूँ मेरी मोटिवेशन है, डेडिकेशन वहाँ से स्टार्ट हुई यूट्यूब की। एज अ यूट्यूबर ड्रीम चेजर, उसकी ड्रीम चेजर की पहली वीडियो क्या आई थी? मेरी पहली वीडियो, मुझे कुछ भी नहीं पता था यूट्यूब क्या होता है क्या नहीं होता, और वो अगर आप ये आप किसी से पूछोगे जिस बंदे का यूट्यूब का पहला वीडियो होता है ना, वो आज की डेट में अपने ना कान आँख सब बंद कर लेगा वो जब भी वीडियो देखेगा तो, और वो डिलीट भी नहीं करता, ऑब्वियसली नहीं करना चाहता। तो मेरी भी थी, मैंने अपने लिए एक BTS2 अपने हेलमेट का ब्लूटूथ इंटरकॉम होता है तो वो परचेज़ किया था, अली एक्सप्रेस से मंगाया था 2500 रुपये का, वो मेरी पहली इन्वेस्टमेंट थी आप बोल सकते हो, मतलब ब्लूटूथ या किसी एक्सेसरीज के बाइक या हेलमेट को छोड़कर। तो वो उसका वीडियो मैंने बनाया और वो पोस्ट मैंने अपने सारे जितने भी लोकल पेजेस होते हैं फेसबुक पे सब पे पेस्ट किया, अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर मुझे लगा यार मैं क्यों ना इंटरनेशनली भी पोस्ट करूँ ये, तो मैंने इंटरनेशनल ग्रुप्स पे पोस्ट करना शुरू करा, तो वहाँ से मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए और कमेंट्स कुछ आते थे भाई आप 1990 में रहते हो क्या, 2000 में, क्योंकि मेरे को नहीं पता था BTS2 क्या है, और आज भी लोगों को पता हो ना पता हो वो एक ब्लूटूथ इंटरकॉम डिवाइस है जिससे हम बाइकर से बाइक, लेकिन आज भी वो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करूँ ना तो वो 1990 की बात है जब लोग BTS2 यूज़ किया करते थे, लेकिन इंडिया में वो आज भी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ऐसा नहीं फॉरेन में नहीं होता, होता है, होता है, लेकिन उनके लिए ना वो बहुत पहले देख चुके हैं, 1995, 2000, 2005, 2010 में वो देख चुके हैं वो सारी वीडियोस उस टाइप का। तो मैंने कहा यार ये तो मैंने गलती कर दी इधर पोस्ट करके। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत पीछे है बाइकिंग के अंदर, तो मुझे उस जगह पे पोस्ट नहीं करना, तो उस ग्रुप से सारा मैं एग्जिट लिया और फिर मैंने धीरे धीरे यहीं पर फोकस किया और धीरे धीरे यहीं से अपनी ग्रोथ शुरू करी। तो स्टार्टिंग जब 2015 राइट 15 से मेरी बाइकिंग हुई थी और मैंने चैनल जो बनाया था वो 2017 में बनाया था। तो 2017-2019 आज आपके कितने सब्सक्राइबर? आज मेरे पास हो चुके हैं 1,30,000 सब्सक्राइबर्स है मेरे, एंड थैंक यू वैभव आप भी उनमें से एक हो आई गेस मैं और बहुत सारे जो शायद सुन भी रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ कहाँ ट्रैवल कर चुके हो अभी तक मोटरसाइकिल पे? यार मैं वही बता रहा हूँ 2017 मैं एक पहले अपने बताता हूँ, जब मैंने अपनी 2016 अगस्त 22 को बाइक ली थी, और मैं बहुत प्राउडली ये बात बोलता हूँ कि मैं शायद मैंने जितने भी अपने बाइकिंग फ्रेंड्स देखे हैं या दोस्त जितने भी मैंने कम्युनिटी में देखे हैं, मुझे अपना लगता है कि मैं शायद वो पहला बाइकर था या हूँ जिसकी पहली बाइक थी जिसने बाइक आने से 3 दिन पहले पूरे राइडिंग गियर्स खरीद लिए थे, हेलमेट खरीद लिया था, ग्लव्स खरीद लिए थे, और जब मैंने बाइक स्टार्ट करी अपने शोरूम से वो मैंने पूरे गियर्स पहन के 2016 में घर तक लेके आया। और मैं अभी भी आज किसी से पूछता हूँ कि भाई कभी ऐसा किया है क्या कि आपकी पहली बाइक और आपका गियर्स पहले आए हो, तो नहीं, गियर्स किस हर एक के बाइक के बाद आते हो। मैं अपना बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि मेरे पास जो गियर्स है पूरे पहली बाइक से पहले थे वो गियर। और अब बात करता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, तो मैंने 2017 में पहले मुनस्यारी की राइड की थी, बहुत मजा आया, घर वालों को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उनको लगा नहीं कर पाएगा यार कैसे करेगा, कभी इसने ऐसे चला ही नहीं माउंटेन में। तो मेरा एक ही फंड है यार, हमेशा अगर कॉन्फिडेंस हो ना, अगर कोई तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है ना तो उसका ना विश्वास मत तोड़ो, जो मेरी पर्सनल फीलिंग है पर्सनल मेरी सोच है, तो मैंने वो आज तक बना के रखा है। मैं कुछ भी काम करता हूँ आज की डेट में मेरे पेरेंट्स को भरोसा हो चुका है कि ये गलत नहीं करेगा। अगर मैं कभी पापा के साथ जाता भी हूँ ट्रैवल कर रहा हूँ
तो मैं जानबूझ के पिन पॉइंट करता हूँ, पापा देखना इस बंदे ने हेलमेट नहीं पहना, या मेरे को कोई कट मार के जाता है ना, तो मैं जानबूझ के पापा को दिखाता हूँ कि मैं सेंसिबल हूँ, क्योंकि राइड पे तो पापा को नहीं पता मैं कैसे कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस तरह से दिखाने की कोशिश करता हूँ, पापा देखना कितने गलत तरीके से कट मार के गया, यही अगर लेफ्ट में लेके चलता तो कितना अच्छा होता, सेंसिबल बंदा होता। पापा को लगा नहीं यार बंदा ठीक बोल रहा है, सही बात कर रहा है, इसका मतलब सेंसिबल है। उसके बाद मेरी ट्रू वॉन्डरर का मेरा आया, आपको पता हो शायद 2017 में रेंगलर ट्रू वॉन्डरर एक कॉन्टेस्ट है जो हर साल होता है, तो ऑल ओवर इंडिया से 25 बाइकर सिलेक्ट हुए थे, तो मैं बहुत लकी था कि मैंने कभी बाइकिंग की नहीं, बट वोटिंग के हिसाब से और मेरी कुछ पास्ट फोटोज जो मैंने अल्मोड़ा या फिर मुंशियारी में क्लिक की थी, तो वहाँ से मैं रेंगलर ट्रू वॉन्डरर में गया। वहाँ से मेरे को 7 दिन की स्पॉन्सर्ड राइड मिली, तो मैं उसमें भी कह सकता हूँ मैं प्राउडली 25 बाइकर्स में था ऑल ओवर इंडिया जो सिलेक्ट हुआ था। उसके बाद वहाँ से मेरे को जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड राइड एक और मिली विद इन 3 मंथ्स ही, वहाँ मैंने राइड की और वो थी किलाड़ किश्तवर। अगर जो भी सुन रहा है बाइकिंग कम्युनिटी में जिसको पता है, तो इट इज़ कंसिडर्ड टू वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स इन इंडिया, तो वहाँ मैंने करी और वहाँ से जो मेरा कॉन्फिडेंस उठा तो वो उठ ही रहा है, वो नीचे नहीं जा रहा। तो कितनी बार लद्दाख, कितनी बार लद्दाख, मैं कह सकता हूँ 3 बार हो चुका है। 2015 में मैंने किया था और 2015 में मैंने सरचू तक किया था, ये एक्चुअली लद्दाख से एक स्टॉप पहले पड़ता है। मेरे फ्रेंड की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था लद्दाख के बारे में, हमें ये भी नहीं पता था कितने वूलन्स लेके जाने हैं, क्या दवाइयाँ लेके जानी है, बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड। मैंने बताया ना मनाली तक का प्लान था और वो तो झूठ बोल के फिर पापा को बोला मैं जा रहा हूँ, तो फिर इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी फ्रेंड की कि मतलब कि ऑलमोस्ट मैं आज भी याद करता हूँ, अपने फ्रेंड के बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट उसकी डेथ हो गई थी। रात को 3-3 बजे तक आर्मी ऑफिशियल्स आए, उसको मेडिसिन दी, उसको ऑक्सीजन दी, कुछ वर्क नहीं किया, डायमॉक्स सब दवाइयाँ दे दी, उसको कुछ वर्क नहीं किया। तब वहाँ पर कोई लोकल जहाँ हम स्टे कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप लहसुन और प्याज खाओ, एंड वो बहुत मैजिक की तरह काम किया। और मैं आज ही सबको बोलता हूँ जो लद्दाख जाता है और जो जाता है ना, तो अगर वो लहसुन खा लेना ठंड में तो उसकी हालत बहुत ठीक हो सकती है। बिलीव बहुत लगता है ये क्या देसी तरीका है, लेकिन ये बहुत मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे फ्रेंड ने खाया रात को 3 बजे शायद -6 या -7 डिग्री में, वो दूसरे लोगों के कैंप में गया, वो ठीक हो गया, वो खाने के बाद आधे घंटे में उसको गर्माहट आ गई बॉडी में। और जो फॉरेनर्स आए हुए थे उनकी भी बहुत तबीयत ख़राब हो चुकी थी, उस समय वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो वो दूसरों के कैंप्स में, उसका नेचर एक्चुअली ऐसा ही है, वो अपने से ज़्यादा दूसरे की हेल्प करने में बिलीव करता है। तो मैं उसे रोक रहा हूँ, भाई क्या कर रहा है, मेरी तबीयत इनफैक्ट ख़राब होनी शुरू हो चुकी थी। वो दूसरों के फॉरेनर्स के कैंप में गया, उनको लहसुन खिलाया और एक एक के पास जाके उनका मतलब ध्यान रखा, और फिर वो वापस 5 बजे आया, फिर हालत फिर हो गई थी। ऑब्वियसली कितनी देर वो कवर अप करेगा। वहाँ से हमने फिर ट्रक में बाइक लोड करी एंड वहाँ से वापस यही सेम, फिर 2018 में मैंने कहा नहीं अब अपना सपना पूरा करूँगा। 2018 में लद्दाख तक पहुँचा, पापा का फ़ोन आ गया, पापा से बात हुई तो मुझे लगा पापा का तबीयत ख़राब है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा आगे, मुझे खारदुंगला इंपॉर्टेंट नहीं है, घर वापस आना है। तो एक ही दिन में मैंने कारगिल से फिर घर तक का पूरा डिस्टेंस कवर किया, फिर कहा अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब बाय हुक बाय क्रूक अब की बार खारदुंगला पास, हाईएस्ट मोटरेबल रोड जिसे हम कहते हैं, वो करना ही करना है। एंड फाइनली 2019 में वो मेरा ड्रीम पूरा हुआ, एंड जस्ट रिसेंटली मैंने 2 महीने पहले वो राइड कंप्लीट करी, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मैंने देखे मेरे वीडियो में। तो 2018-2019 आई गेस वॉज द बेस्ट टाइम फॉर यू। एग्जैक्टली मैं अगर बोलूँ तो मेरा 2019 को मैं ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि 2019 में जो अभी मैंने रिसेंटली राइड की थी फेब्रवरी में नेपाल की, वो शायद मेरी लाइफ की अभी तक की सबसे एडवेंचरस राइड थी। और जिसने भी वो राइड देखी 99% ने मुझे बोला कि भाई आपने किया कैसे है, किस बाइक पे किया है। मैं अपनी बाइक बताऊं तो मेरे पास पल्सर RS 200 है, इट इज़ अ स्पोर्ट्स टूरर बाइक, हैवी है बहुत बाइक, तो उस बाइक को फुली फेयर्ड बाइक को उस टेरेन पे लेके जाना मतलब कि अपनी लाइफ के साथ और बाइक की लाइफ के साथ बहुत बड़ा रिस्क था। मुझे पता था कि यार बहुत बाइकर्स ने किया है, बट मैंने जितने भी YouTube पे वीडियोस देखे थे ना, वो पता है समर्स के थे सारे वीडियोस, समर्स मतलब कि कोई स्नो नहीं, कोई बर्फ़ नहीं, कुछ नहीं, जिसे हम कह सकते हैं अगर स्पीति की बात करूं तो नॉर्मल, अगर इन दिनों में जाओगे स्पीति पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ होगी, दैट्स इट। और अगर हम इसी को फेब्रवरी में विंटर स्पीति करें जहां आपको रोड नहीं दिखेगी, सिर्फ बर्फ़ पे चलना है आपको बाइक, बस इतना फ़र्क है नेपाल और स्पीति का कि स्पीति की रोड ठीक थी
नेपाल की जो रोड्स हैं वो माशा अल्लाह इतनी एडवेंचरस रोड्स, जहां मुझे सिर्फ 2 किलोमीटर करने में 2.5 घंटे लगे थे, 2 किलोमीटर करने में 2.5 घंटे, और वो बहुत एक्सट्रीम स्टोरी है, वो मेरी सबसे एडवेंचरस राइड था। और उसके बाद मुझे ऐसा कीड़ा लगा ना कि अब मैं अगर नॉर्मल राइड मुझे कहता ना कोई यहाँ तक चक्राता तक चल ले या नॉर्मल जम्मू तक, मेरा मन नहीं करता। मैं कहता हूँ भाई एडवेंचर है, कुछ एडवेंचर है तो ले चलो मुझे, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन नॉर्मल मत करवाओ। तो नेपाल ने मुझे बिगाड़ दिया, पता लग गया भाई को सिर्फ फरीदाबाद से दिल्ली आना था तो मेट्रो तक आए बाइक नहीं लाए, वो वही एडवेंचर में चलेगी, एडवेंचर में चलेगी। तो कितने दिन का ट्रिप था नेपाल का? नेपाल का मेरा 12 दिन का ट्रिप था। तो मुस्तांग का प्लान था एक्चुअली, मुस्तांग भी मुक्तिनाथ टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है, हिंदू टेम्पल है, तो वो जो मुस्तांग करता है मुक्तिनाथ टेम्पल ज़रूर जाता है। बट मैंने जैसा आपको बताया वो इतनी एक्सट्रीम कंडीशन थी, इतनी एक्सट्रीम, 2 किलोमीटर करने में हमें 2.5 घंटे लग गए थे। मैं खाली जॉम्सम तक पहुँच पाया था, ये मुक्तिनाथ से अराउंड 30 से 40 किलोमीटर पहले पड़ता है, और मेरी चेस्ट हाइट तक बोल सकता हूँ इतनी बर्फ़ थी रोड के ऊपर, मतलब एक आदमी भी उसके आगे नहीं जा सकता था। और वहाँ पर मुझे बहुत अफसोस, मतलब खुशी तो बहुत हुई मैं वहाँ तक भी पहुँच पाया, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं वहाँ तक भी, जिस सिचुएशन में थे हम पहुँच पाएंगे, लेकिन मैं वहाँ तक भी पहुँचा। तो मैंने एक डायलॉग बोला है वीडियो में अपने कि देख रहे हो मेरे फेस पे स्माइल, जानते हो उसका रीज़न क्या है? यस आई एम इन मुस्तांग। ये जो है ना मेरे दिल के बहुत नेचुरली निकला था मेरे मुँह से, बहुत नेचुरली। तो मुझे ऐसा लगता है यार वो उस समय मुझे शाहरुख खान वाली फील आ गई थी, जैसे शाहरुख कोई डायलॉग बोलता है ना, तो बस वही मैंने प्लान किया और मुक्तिनाथ मेरा रह गया। बट डेफिनेटली नेपाल से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत कमेंट्स आते हैं, अभी भी लोग बोलते हैं कि यार आओ मुक्तिनाथ एक बार करो, तो डेफिनेटली वो मेरी लिस्ट में है और बहुत जल्दी मुक्तिनाथ भी होगा। तो अभी कोई राइड रिसेंटली जो अब विद इन अ वीक और 10 डेज मेरे पास 3 आइटनरी बनी हुई है, राइट? एक तो 4Spokes की बनी पड़ी है, भूटान की बनी पड़ी है, और भद्रवा सुरेंसर एक जगह है, भद्रवा सुरेंसर करके एक पूरी जगह है, तो उसका भी आइटनरी, और एक मेरा नेपाल का दोबारा प्लान है, लेकिन नेपाल इस वक्त मुस्तांग नहीं होगा। जहाँ का प्लान है वो थोड़ा सा मुस्तांग से और थोड़ा सा एडवेंचरस, मैंने बोला ना मुझे थोड़ा सा कीड़ा लग चुका है, तो मैं वही देख रहा हूँ जहाँ मुझे ज़्यादा एडवेंचरस मिले, तो वहीं गाड़ी 2 दिन पहले डिसाइड करूँगा कि ये फाइनल है। आइटनरी बनी है, सामान पूरा पैक होगा, लेफ्ट टर्न लेना है राइट टर्न लेना है वो सिर्फ 2 दिन पहले मेरे को पता लगेगा, और आपको भी 2 दिन पहले ही पता चलेगा। क्या बात है। तो अगर जैसे कोई प्रिपेयर कर रहा है इस टाइम पे, या बेस्ट टाइम नेपाल में राइड करने का क्या रहेगा? ऑल सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। सिर्फ अगस्त का महीना मैं प्रेफर नहीं करता, अगस्त का महीना मैं इंडिया में भी प्रेफर नहीं करता अगर आप माउंटेन्स में कर रहे हो, क्योंकि वो रेनी सीजन होता है, और रेनी सीजन में कभी भी माउंटेन्स में मैं सजेस्ट नहीं करता कि बाइकिंग या राइडिंग करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि लैंडस्लाइड हो सकता है ना, आप आगे गए रहे ना ही पीछे गए रहे, और वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं, बहुत दिक्कत आती है। तो अगस्त का महीना छोड़ के मैं कहता हूँ सारे महीने आप कभी भी कर सकते हो। मतलब जो नेपाल जाने वाला है कुछ ऐसे पॉइंट्स जो उनको याद रखने चाहिए, या देखो मैं एक चीज़ जो सबसे मेन बताऊंगा, नेपाल हो या कोई भी माउंटेन एरिया हो ना, जितना कम से कम हो सके उतना कैरी करना आपको लगेज, जितना ज़्यादा आपने लगेज कैरी करा उतना आपको प्रॉब्लम होगी। एक और सजेशन मैं आपको दूंगा यार, पेट्रोल की बहुत टेंशन मत लिया करो, पेट्रोल ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ अवेलेबल ना हो, जहाँ बंदा भी नहीं होगा ना वहाँ पर भी आपको ब्लैक में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मैं इतना सजेस्ट करता हूँ कि 2 लीटर बहुत है, मोर देन एनफ है आपकी, अगर 25 की भी एवरेज दे रही तो 50 किलोमीटर के एरिया में आपको पेट्रोल मिल जाएगा, अगर एक्सट्रीम कंडीशन में भी आप चला रहे हो बाइक। तो मैं ये है कि कभी कैरी नहीं करता, 2 लीटर हार्डली कैरी कर लेता हूँ, तो बस यही 2 सजेशन दूंगा, कैरी कम करो और पेट्रोल की टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ये फर्क नहीं पड़ता कि मोटरसाइकिल कौन सी है, बाइकर पक्का होना चाहिए, बस बाइकर पक्का होना चाहिए। एग्जैक्टली मैं एक और चीज़ बोलूँगा, मोटरसाइकिल काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि यार मोटरसाइकिल मैटर करती है नहीं करती, लेकिन मेरा यहाँ थोड़ा सा उल्टा, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके सोचता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी राइड करी है। मैं इतना ज़रूर बोलूँगा यार वैभव, मोटरसाइकिल कहीं ना कहीं मैटर थोड़ी बहुत करती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि यार तुम प्लैटिना ले जाओ 100cc बाइक, तो वो भी है, मैं कहता हूँ यार आप प्लैटिना ले जाओ नेपाल के मुस्तांग करके दिखाओ जो अभी मैंने करा है, तो वो बाइक मैटर करती है, ऐसा नहीं है नहीं करती, लेकिन हाँ अगर एक जोश है जज्बा है करना ही है, और अगर आपको बाइक की पूरी नॉलेज, अगर आपकी बाइक कहीं पर भी स्टक होती है तब आप बेसिकली बोल सकते हो बाइक मैटर नहीं करती, लेकिन अगर आपको बाइक का पूरा नॉलेज नहीं है और आप 100cc लेके जा रहे हो भाई मैं तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा दूंगा बाइक, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो बाइक कहीं ना कहीं मैटर करती है, सीसी मैटर करता है, पावर मैटर करता है, बट उससे ज़्यादा
बाइकर के स्पिरिट ज़्यादा मैटर करती है, जो मुझे पर्सनली लगता है। क्योंकि लोग 390 लेके भी, ड्यूक 390 भी लेके, कई लोग मोजो लेके भी थोड़ा हेजिटेट करते हैं, भाई हम नहीं जा रहे, हमारे बस की नहीं है, या मेरे कई फ्रेंड्स हैं अगर वो सुन रहे होंगे तो गालियाँ देंगे मुझे, भाई तूने क्यों बोली बात, बट फैक्ट है। मैंने कईयों को पूछा कि भाई तुम्हारे पास ये बाइक है तो अब नेपाल का करें क्या, नहीं नहीं होगा, जबकि वो बेसिकली अच्छे बाइकर्स हैं। तो थोड़ा सा एक जोश अगर इसमें भी हो कि हाँ हम कर सकते हैं तो कर सकता है बंदा, ऐसी दिक्कत। तो ये बात तो क्लियर है, बाइक जरूरी, बाइकर जरूरी, गियर कितना इंपॉर्टेंट है। गियर तो यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अपनी अभी बात करते करते मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है गियर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। मेरी पहली बाइक से पहले ही मेरे पास राइडिंग गियर्स पूरे थे। अगर मैं आपको अपनी पहली पिक्चर दिखाऊंगा जो अगर मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करी है, अपनी फेसबुक पे भी, तो मैं अपनी बाइक के सामने बैठा हुआ हूँ, ऑलमोस्ट उसको हग करा हुआ है और मैंने पूरे गियर्स पहने हुए हैं, अगर वो मेरी पहली पिक्चर देखोगे तो पूरे राइडिंग गियर्स मेरी पहले दिन से ही। मुझे तब टू बी वेरी फ्रैंक मुझे नहीं पता था राइडिंग गियर्स कौन से अच्छे होते हैं, यूट्यूब पे सर्च किया, राइनॉक्स के पता लगे एक अच्छे होते हैं, तब मैंने वो लिए थे, नो डाउट, वो आज भी जैकेट है मेरे पास। मुझे नहीं पता था ग्लव्स कौन से अच्छे होते हैं, चोपड़ा के पास गया अपना करोल बाग में, उन्होंने कहा ये वाले ग्लव्स अच्छे हैं प्रो बाइकर के, अगर आपको ये लेना है तो 250-300 के, मैंने प्रो बाइकर के ग्लव्स ले लिए। फिर मुझे पता नी गार्ड भी कुछ होता है, नी गार्ड कौन से होते हैं, तो मैंने सोलेस के वो उठा लिए। फिर मुझे पता लगा कि हेलमेट कौन सा लेना चाहिए, हेलमेट का मुझे कोई नॉलेज नहीं था। मैं एक ये भी स्टोरी बताना चाहूँगा, हेलमेट मैं ले रहा था तो मुझे उन्होंने शील्डबर्ड का दिखाया, मुझे यार तब पता था यार 600-700 रुपये में अच्छा, 1000 रुपये में अच्छा हेलमेट आया था, हमें कौन सा पता था कि हेलमेट्स भी ऐसे होते हैं। तो उसने मुझे 2000 का एक शील्डबर्ड का हेलमेट दिखाया, मैं खुश हो गया, मैंने कहा यार ये 2000 का हेलमेट है अच्छा होगा डेफिनेटली। बट उसी समय मैं देख रहा था वो ओपन हेलमेट होता है ना, फ्लिप हेलमेट ऊपर नीचे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा, कूल हेलमेट लग रहा था। और उसी समय एक बाइकर आ गया तो चोपड़ा साहब ने उनको हेलमेट दिखाया, तो वो मैंने पूछा ये कितने का है, तो उन्होंने कहा 5500 का। मेरा शौक हो गया, मैंने कहा मैं 2000 में खुश हो रहा हूँ, ये 5500 का हेलमेट है। तो मैंने कहा यार इस हेलमेट और इस हेलमेट फ़र्क तो बताओ, ये क्योंकि मुझे नहीं पता था, आपको लगेगा यार कैसी बातें कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने दिखाया हेलमेट, मैंने कहा इन दोनों हेलमेट में फ़र्क क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये हेलमेट अगर इतना है कि अगर आप 100 पे भी क्रैश करते हो तो आपकी सेफ्टी कर देगा काफ़ी हद तक, जो आप हेलमेट देख रहे हो वो सेफ्टी नहीं करेगा, मतलब प्रोटेक्ट कर लेगा बट इतना नहीं। बट वही है ना कि उस समय एक तो पूरा नॉलेज नहीं था, तो फिर भी मैंने स्टील बर्ड का अपना वो 2001 का हेलमेट आया था, वो आज भी है मेरे पास और वो हमेशा ही रहेगा। तो वो हेलमेट मैंने लिया क्योंकि मुझे पता था मैं क्रूजिंग ही करूँगा, मैं कभी भी हाई स्पीड में बाइकर हूँ ही नहीं जहाँ मैं 120, 130, 140, क्योंकि मेरी शुरू से हैबिट नहीं, मैंने बताया जैसे पापा को भी मैंने कॉन्फिडेंस दे रखा है, कैसे दे रखा है, सिर्फ इसलिए कि मैं बहुत सेंसिबल डिसेंट वे में चलाता हूँ, मैं स्टडबाजी ऐसी चीज़ें में बिलीव नहीं करता। ईजी जाओ, टूरिंग कर रहे हो 80-90 पे क्रूज करो, इंजॉय करो, राइड करने जा रहे हो, कोई रेस नहीं है कि भगा रहे हो, अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से यू नो आपके पीछे वालों को अगर रोना पड़े तो मुझे लगता है कि वही मेरी सोच थी यार 2000 का हेलमेट बहुत है, क्योंकि सिटी में मुझे बाइक चलानी, क्योंकि कभी मेंटालिटी थी नहीं ऐसी कि मुझे इतने एक्सट्रीम करना है, ये ज़रूर पता था कि हाँ बाइक लेना तो मुझे लद्दाख जाना है, पर मुझे पता था 70-80 की स्पीड पर चलाऊंगा इतने में कवर कर देगा, बट धीरे धीरे पता लगा कि नहीं वो गियर इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर MT का हेलमेट लिया, 6500 रुपये का हेलमेट है वो भी। अच्छा तो ये एक बात और थी कि अगर किसी को ये वीडियोस देखनी है आपके एडवेंचर की तो वो आपको कहाँ कहाँ फॉलो कर सकता है? देखो मैं YouTube पे तो हूँ ड्रीम चेजर करके, पहले मेरा CHASER था चेजर, तो जब YouTube पे लोग सर्च करते थे मैं मिलता नहीं था, उन्हें काफ़ी कंप्लेन आई, मैंने इसलिए डाला था वो क्योंकि ड्रीम चेजर नाम से काफ़ी लोग थे, मुझे लगा था मैं मिलूंगा नहीं, बट मेरा उल्टा बैकफायर कर गया, मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी काफ़ी लोग मुझे कंप्लेन कर रहे थे भाई आपका चैनल सर्च करने में नहीं मिल रहा, तब मैंने कहा जो भी है अब 50,000 है, मैंने देखा किसी भी ड्रीम चेजर के इतने सब्सक्राइबर्स नहीं थे, तो मुझे लगा मुझे जल्दी से जल्दी 100,000 सब्सक्राइबर करना है, मुझे वो ब्लू टिक चाहिए यूट्यूब पे, राइट। अगर वो ब्लू टिक आपको मिल जाता है मतलब फिर कोई और भी यूट्यूब पे वो ड्रीम चेजर यूज़ नहीं कर सकता, मतलब जो एक हो जाता है रजिस्टर्ड वो रजिस्टर्ड नहीं कर सकता, तो मैंने ड्रीम चेजर CHASER रखा। और इंस्टाग्राम पे तो फिर शुरू से ही वही था Dream_CHASER, तो वही रखा मैंने, उसको चेंज नहीं करा मैंने कभी, राइट। और फेसबुक पे मैं इतना ज़्यादा अपना पर्सनल लाइफ में एक्टिव हूँ बट मैं इतना सोशली इतना ज़्यादा मैं ज़्यादा लोगों को बताता नहीं कि ये मेरा ये है, फिर बहुत सारे उस पर भी आते हैं मैसेजेस पर्सनल, जो है मेरे को फैमिली की कुछ पिक्चर्स हैं, कोई मुझे मम्मी पापा टैग कर रहे हैं, तो वो मैं थोड़ा फैमिली और प्रोफेशनली बोल सकता हूँ इसको, तो मैं दोनों को अलग अलग थोड़ा सा रखता हूँ। तो एक क्वेश्चन जो अभी मैं पूछना चाहता हूँ बहुत सर इंटरेस्टिंग है कि एक यूट्यूबर, हाँ जी,
किन यूट्यूबर्स को आगे फॉलो करते हैं आप, इंस्पिरेशन किन? मैंने इंस्पिरेशन आपको बताया कि 2015 में जब मैंने लद्दाख किया था, 2016 में मैंने निखिल का वीडियो देखा तो मुझे लग गया कि ये मुझे करना है। तो अगर मैं फर्स्ट डेडिकेशन अगर बोलूँ तो वो निखिल बोल सकता हूँ उसको, और सिर्फ इसलिए क्यों मैं वो कर चुका था। अगर मैं शायद नहीं करता तो शायद मुझे इंटरेस्ट नहीं आता शायद वीडियोज़ में, क्योंकि बाइकिंग का मुझे कभी इंटरेस्ट होता ही नहीं। तो 2015 की वजह से वो 2016 में वीडियो देखा, और उसके बाद अगर मैं आज भी किसी को बोलता हूँ जो एडवेंचर टूरिंग मुझे जो पुश कर रहा है कि भाई मुझे अपनी लिमिट क्रॉस करनी है, और वो मैं कर सकता हूँ, वो है अपने डीजी भाई दीपक गुप्ता, एक्सट्रीम मोटर एडवेंचर, और उन्हीं को मैं फॉलो करता हूँ। उनकी सारी मतलब उनसे मैं रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, वो मुझसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, एंड उनके भी अराउंड 4 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मैं उनका तब से सब्सक्राइबर हूँ जब उनके 1000 से नीचे सब्सक्राइबर थे, और मैं इसमें भी प्राउडली बोल सकता हूँ उनका फर्स्ट मीटअप था और सिर्फ 2 बंदे थे उस मीटअप में, और उसमें एक मैं था। अब वो बहुत ज़बरदस्ती करके मैंने मीटअप रखा था, और जो दूसरा बंदा था वो मेरा फ्रेंड ही था जिसके साथ मैं गया था। तो बहुत ज़िद करके कि सर आपसे मिलना है, क्योंकि जो उन्होंने वीडियोज़ डाली थी ना उस समय, मैंने कभी इतनी फाड़ वीडियोज़ नहीं देखी थी यूट्यूब पर। तो और कोई नाम जो आप लेना चाहिए? फिलहाल दो, मैं दो को एक्सट्रीम के अंदर जिनको मैं फॉलो करता हूँ, मतलब निखिल को तो फिलहाल नहीं क्योंकि वो बाइकिंग में नहीं करते, और लेकिन अगर मैं किसी को बाइकिंग के अंदर करता हूँ तो उनके अलावा मैं फिलहाल, क्योंकि एक्सट्रीम कोई नहीं करता, यूट्यूबर्स बहुत हैं, ट्रैवल बहुत करते हैं, घूमते बहुत हैं, लेकिन जो रियल चीज़ जो मुझे दिखती है, जो जेन्युइन पर्सन दिखता है, तो उनके अलावा मुझे फिलहाल नहीं कोई दिखता। तो मैं उनके अलावा किसी को, तो जब अंकित, हाँ जी, ड्रीम चेजर नहीं होता, यानी कि यूट्यूब पे नहीं होता और वीडियोस नहीं बना रहे होते, तो अंकित क्या करते हैं? अंकित का अपना बिजनेस है। अंकित पिछले कितने बोल सकता हूँ 2005, ठीक है, 2005 से लेकर आज 2019 हो चुका है, तो मुझे लगभग 14 से 15 साल हो चुके हैं अपने बिजनेस में। और बिजनेस क्या करता हूँ वो मैं शेयर नहीं करता किसी के साथ, तो बस अब मेरा बिजनेस है तो उसी में रहता हूँ मैं। मेरी वही शिफ्ट है, सुबह 11 बजे से लेकर मैं रात के 9 बजे तक वहाँ पर होता हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस है, मेरा स्टाफ है, तो मुझे कभी कभी टाइम मिल जाता है बीच बीच में, आपसे कभी मिल लेता हूँ, जैसे आज आ गया तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती कि पीछे कौन कर रहा है। सर्विस वालों को दिक्कत होती है, हो सकता है सैटरडे संडे, बट मेरा ये है कि मेरा पीछे मैनेज करने वाले हैं, मेरी राइड्स कवर हो जाती हैं, हफ्ता 10 दिन भी मैं कहीं चला जाता हूँ, तो ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ है। अंकित जो करता है, अंकित अपना बिजनेस संभालता है अपने फादर के साथ। यूजुअली मोटरसाइकिलिस्ट क्या करते हैं, वो पहले कोई ग्रुप ज्वाइन करते हैं, राइट, तो ऐसा कुछ आपके साथ भी है। 2016 में जब मैंने 22 अगस्त को अपनी फर्स्ट बाइक ली थी, 20 मैं डेट्स के साथ बता रहा हूँ क्योंकि वो मेरे लिए मेमोरीज हैं। देखो हो सकता है लोगों को लगे यार ये क्या बात है, ये तो ऐसा कौन याद रखता है, बट ये मेरे लिए मेमोरीज है, इसलिए मैं डेट्स तक याद रखता हूँ, क्योंकि मेरे को फर्स्ट लद्दाख की डेट याद है, मुझे अपनी फर्स्ट बाइक की डेट याद है, और मुझे पहली राइड की डेट याद है। इट वॉज 26th of August 2016। मैंने अपने पापा को बोला, पापा कल ना राइड है सुबह, तो डांट पड़ गई। मैंने कहा बाइक इसलिए लेके दिया यार, फिर मैं चलाऊंगा कहाँ अगर राइड पे नहीं जाऊंगा, तो कहाँ राइड है सुबह, क्योंकि 5 बजे राइड हुआ करती थी, ठीक है अभी भी होती है, एंड वो आज भी सबसे बड़ी राइड दिल्ली की मानी जाती है, वो है DBBR, उससे आप वाकिफ हो मुझे पता है, आप मुझे DBBR में भी कई बार मिल चुके हो, राइट। और 2016 में 27th अगस्त को वो सैटरडे की सुबह थी जब मैं फर्स्ट अपनी DBBR राइड पे गया, और मैं इतना एक्साइटेड हुआ देख के, इतने बाइकर्स, एक से एक प्यारी बाइक जो मैंने कभी शायद अपनी लाइफ में नहीं देखी थी, हायाबूसा मैं कभी उसको मतलब कि एक साथ 4-5 नहीं देखी थी, और जब मैं एक साथ उनको शूट कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता था मुझे यूट्यूब करना है, मैंने उनकी वीडियोज़ बनाई और आज मेरे पास सारा डाटा है। तो वो मेरी फर्स्ट राइड थी, और उसके बाद वो राइड्स कभी रुकी नहीं, तो वहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बने यार वहाँ पर, वहीं से मेरे जान पहचान बनी, जहाँ से यूट्यूबर मुझे पता लगा यार ये एक्शन कैमरा होता है, ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, और जो तब भी मेरे फ्रेंड जो पहली राइड पे भी मिले थे, वो आज मुझे बोल रहे भाई पहली राइड पे तो ऐसे था तू, और अब राइड पे तेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो है ना बहुत खुशी मिलती है। लेकिन ये है कि आज भी वो ऐसे मिलते हैं ना, तो मैं कभी ऐसे शो नहीं करता मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं या जो भी है, और लेकिन वो थोड़ा सा यार मेरे को ऐसा लगता है वो रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं, आप अंकित भाई आप मिलो, मैंने कहा यार क्या बात हो गई, आपका क्या चक्कर चल रहा है तो कहाँ हो गया अंकित भाई, दैट्स इट। तो बस ये कहानी है हमारी। तो आज के टाइम पे अगर कोई मोटरसाइकिलिस्ट
सोच रहा है कि मैं कोई एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए, क्या ये सही टाइम है कुछ शुरू? देखो, यूट्यूब को स्टार्ट या कोई भी चीज को स्टार्ट करने के लिए ना कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि सही टाइम है या गलत टाइम है। जैसे आप ये पॉडकास्ट ही कर रहे हो तो कभी भी सही टाइम नहीं होता, जब करना है तो कर दो। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा यार, काफी यूट्यूबर्स या काफी लोग हैं जो फर्स्ट 2-3 वीडियोस डाल के बोलते हैं अंकित भाई शाउट आउट दे दो। शाउट आउट मांगने से ना वैल्यू हमेशा गिरती है। काम ऐसा करो लोग तुम्हें शाउट आउट दें, तुम्हें मांगने की जरूरत ना पड़े। मैंने अपनी लाइफ में पर्सनल जितने भी, मैं आज ओपनली बोल रहा हूँ, मैंने आज तक मैंने किसी से शाउट आउट नहीं मांगा कि प्लीज़ मुझे शाउट आउट दे दो। अपने आप लोगों को पसंद आती है, लोग कहते हैं भाई मैंने तुम्हारा वीडियो शेयर किया, वो जो खुशी मिलती है ना किसी को शाउट आउट बोलने में नहीं मिलती। तो बस इतना बोलूँगा, अपनी मेहनत करो वीडियोज़ बनाने में। यूट्यूब पर रिव्यूज़ के लिए काफ़ी लोग आते हैं, तो लोगों के दिमाग में एक आइडिया होता है कि हाँ शायद ये प्रोडक्ट इनको भेजा गया होगा तभी ये रिव्यू कर रहे हैं, क्या ये सच है? आज के टाइम पे 90% ऐसा हो गया है। जितने भी आजकल प्रोडक्ट्स भेजने वाले हैं उनको पता है कि यार हम कहीं और ऐड करवाएंगे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन लोग भी आज की डेट में थोड़े से समझदार हैं, उनको भी पता है कि अगर मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ उसकी गुडविल कैसी है, तो वो उसी हिसाब से परचेज करते हैं प्रोडक्ट। तो आज की डेट में बायर भी थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, उसको भी पता है कि मेरे को एक रिव्यूअर के वीडियो पे नहीं जाना। हाँ, बहुत अच्छा एक हो गया तो एक पर्सनल मैसेज करके पूछ लिया, जैसे मेरे साथ भी होता है। मेरे को कहीं एक आध दो प्रोडक्ट्स आ गए, मैंने उनको इंस्टाग्राम पे शेयर करा, लेकिन मैंने ये साथ में बोल दिया कि मैं इसको 1 वीक यूज़ करूँगा। इंस्टाग्राम पे मैं ज़रूर शेयर कर रहा हूँ कि दैट आई गॉट दिस प्रोडक्ट और मैं इसको यूज़ करूँगा, हफ्ते के बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे दूँगा, इज़ इट फाइन, अच्छा है या नहीं है। और मुझे कहीं विदिन 3 डेज ही मेरे को एक 2-3 फ्रेंड्स का मेरे मैसेज आ गया कि अंकित भाई हमने आपने शेयर किया था ना, मैंने ले लिया। मैंने उसी वक्त उनको रिस्पॉन्स किया, मैंने आपको पिछली स्टोरी में डाला था मैं 1 वीक यूज़ करूँगा उसके बाद बताऊँगा और मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आपने ले लिया है। तो इसमें ये मत देखना कि आपने मुझे कन्विंस किया था। तो मैं इसलिए क्लियर ये बात हमेशा बोल देता हूँ कि मैं 1 वीक यूज़ करूँगा। अभी मुझे एक कंपनी ने पावर बैंक भेजा था तो मेरे लद्दाख राइड से पहले, तो मैंने उन्हें क्लियरली बोला था कि मैं, वो थोड़ा कॉस्टली 3,500 का था लेकिन सिर्फ 9100 mAh है, जबकि आज की डेट में MI का भी शायद 1500 रुपये में 20,000 mAh आया था। तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी होगी या सब कुछ होगा। तो वही टेस्ट करने के लिए मैंने उन्हें क्लियरली कहा था ठीक है आप मुझे एक प्रोडक्ट तो दे रहे हो, लेकिन मैं इसको पहले अपनी लद्दाख की राइड पर जा रहा हूँ यूज़ करूँगा, मैं किसी को दिखाऊंगा भी नहीं ये प्रोडक्ट क्योंकि बहुत कॉस्टली है। देखो 500-600 का प्रोडक्ट नहीं है, 3,500 रुपये का प्रोडक्ट है, वो भी पावर बैंक, तो मैं यूज़ करूँगा। और मैं बहुत सेटिस्फाइड था, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि अंकित आर यू सेटिस्फाइड? मैंने उनका यस 100% आई एम सेटिस्फाइड और अब मैं वीडियो में वो डालूंगा। तो ना उनकी तरफ से मुझे पुश हुआ ना मैंने उनको पुश किया। तो कल ही एक मैंने वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने वो पावर बैंक दिखाया भी है। तो वही चीज़ें हैं कि लोग समझदार हैं आज की डेट में, सोच समझ के परचेज करते हैं और अगर जेन्युइन चीज़ होगी तो ही खरीदेंगे, और अगर मैंने एक चीज़ गलत बता दी तो वो मेरा विश्वास टूट जाएगा। और 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बाद अगर किसी के साथ बिट्रेल करो ना तो वो तुम्हारा नुकसान है इन फ्यूचर के लिए, इन्फ्लुएंसर नहीं रह जाता फिर वो आदमी जिसको हम सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में। राइट, सो एक वीडियो आपका बहुत पॉपुलर हुआ था जावा के ऊपर। हाँ, वो वीडियो जो आपने उसका टेस्ट राइड किया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो तब की बात है, बट अभी जावा के बारे में आप कुछ भी बोलना चाहेंगे, लाइक कोई ओपिनियन आपकी? डेफिनेटली मैं बताता हूँ आपको अगर मैं जावा की बात करूँ ना तो शायद मैं दिल्ली का फर्स्ट व्लॉगर मैं बोल सकता हूँ जिसने 10-12 वीडियोस जावा के ऊपर बनाई थी टेस्ट राइड करके, वो भी सोलो। तब के टाइम पे इतनी बाइक टेस्ट राइडिंग के लिए नहीं, मैं मुझे याद है झंडे वाला यहीं पर ही अशोक जी, मैं सॉरी नाम भूल गया, तो उनको मैं ऐसे गया वीडियो शूट करा, तब शायद पहला दिन ही था और इतने यूट्यूबर्स नहीं आए थे क्योंकि वो मंडे का दिन था, संडे को बहुत होता है लेकिन मंडे का शायद दिन था तो इतने यूट्यूबर्स नहीं आए। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाली, उनको बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट डे मैंने उन्हें कहा मुझे वीडियो शूट करना है, तो उन्होंने परमिशन दी ठीक है करो। उनको बोला मुझे वीडियो शूट करनी है टेस्ट राइड के लिए, उनको कन्विंस करा जो शायद किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। टेस्ट राइड के अंदर 22 का माइलेज आया था तो मुझे पता था वो गलत है क्योंकि 22 पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि वो वीडियो शूट कर लिया था, पूरी मेहनत हो गई थी हमारी, तो बताना बहुत ज़रूरी था। बट मेरी एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मैं अपनी ऑडियंस को बताऊं कि ये एग्जैक्ट सही नहीं है। जैसे ही वीडियो अपलोड किया पहला कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट जो था मेरा यही था कि ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एक्सट्रीम कंडीशन में बाइक चलाई गई है, 22 का माइलेज नहीं हो सकता किसी हाल में भी, आज भी वो पिन कमेंट है। तो मैंने जितनी मेरी फैक्ट था मैंने पूरी वो बातें बताई, और
आज की डेट में जब 15th कुछ नवंबर को फर्स्ट डे लॉन्चिंग थी उस बाइक की, तो मैंने अपने फ्रेंड को जिसने रॉयल एनफील्ड की हिमालयन लेनी थी, मैंने कहा रुक जा, जावा बुक कर। उसने फर्स्ट डे मेरी बात मान के बुकिंग करी एंड ही वॉज द फर्स्ट वन फ्रॉम फरीदाबाद जिसकी जावा 42 आई, और मैंने टेकिंग डिलीवरी का वीडियो बनाया, वो भी बहुत अच्छा वायरल हुआ, सबसे ज़्यादा व्यूज़ आज भी उस पर ही हैं। तो मेरा यही कहना है कि जावा बहुत अच्छी बाइक है, नो डाउट। मैंने जिस उस समय जो रिव्यूज़ दिए थे, मैं आज भी उस पर कायम हूँ, जो भी मैंने उन वीडियोज़ में बोला था, अपार्ट फ्रॉम वो 22 का माइलेज, वो आज की डेट में पता लग चुका है 35-40 का माइलेज है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, जावा को लेकर जो मैंने उस समय ओपिनियन, जो अपने सीट्स के बारे में बोलते, जो हाइट के बारे में बोलते, मैं आज भी उन पर कायम, वो सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं, नेगेटिव कुछ भी बात नहीं थी, तो वो आज भी मैं सब पॉजिटिव ही बोलूँगा। तो अब एक क्वेश्चन और है मोटरसाइकिलिंग सीन के बारे में इंडिया में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, क्या चल रहा है? देखो इंडिया की बात बताऊँ ना, इंडिया ने अब वो पेस पकड़ लिया है जो जो वेस्टर्न कंट्रीज में अब जो 2005 या 2008 में हुआ करती होगी, क्योंकि पिछले 4 साल में YouTube की वजह से इतनी ग्रोथ हुई है ना, लोगों को पता लगा है, गियर्स के बारे में पता लगा है, राइडिंग के बारे में पता लगा है, लोगों को एक्चुअली पता लगा है कि यार एक बाइक पे भी ट्रैवल किया जाता है, लोगों को पहले पता नहीं था, करते होंगे लोग, ऐसा नहीं है नहीं करते होंगे, लेकिन जिस लेवल पे आज हो रहा है ना, वो एक्सट्रीम लेवल हो रहा है। आज की डेट पे कोई अपने दो फ्रेंड्स जाते हैं ना, वो ये नहीं कहते यार कैब करते हैं, कोई ये नहीं कहता कि चल यार बस पे चलते हैं, चलो टैक्सी कर लेते हैं, बाइक है ना, बाइक उठा चल चलते हैं, कैमरा लगाते हैं और निकलते हैं, चल घूमने चलते हैं। तो आजकल बेसिकली ये हो गया, दिल्ली से है ही कितना दूरी है माउंटेन्स हमारे, 500-600 किलोमीटर में हर कोई माउंटेन आपको मिल जाएगा, हिमाचल ले लो, उत्तराखंड ले लो, कहीं पर भी ले लो। तो मुझे ये लग रहा है यार आने वाले 5 साल में इंडिया के अंदर जो बाइकिंग के अंदर है ना, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म। तो इंडिया में एट दिस टाइम बेस्ट प्लेसेस फॉर एडवेंचर टूरिंग, देखो अगर बेस्ट प्लेसेस एडवेंचर टूरिंग की बात बोलूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, जहाँ तक मुझे ना बहुत होनी चाहिए, लेकिन टूरिंग के हिसाब से इंडिया में जितना स्कोप है ना, मुझे नहीं लगता कि इतना पूरे वर्ल्ड में है, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी, हर सिटी में आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो जहाँ एडवेंचर टूरिंग की बात करूँ ना, हम बहुत रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं अभी फिलहाल में, लद्दाख का हम प्लान करते हैं 12 दिन का प्लान करते हैं, एक बेसिक रूटीन करते हैं, रूट करते हैं खारदुंगला, पेंगोंग, नुब्रा, अपना वहाँ से पेंगोंग और वहाँ से वापस 12 दिन हमने लद्दाख कर लिया। लेकिन लद्दाख 12 दिन नहीं है, लद्दाख को आप 2 महीने भी दे दोगे ना बहुत कम है। लेकिन वही बात है, लोगों को अभी पता नहीं, एक्सप्लोर नहीं किया, जिन्होंने किया है उनको रास्ता पता है, बाकी को इतना रास्ता नहीं पता। तो मुझे लगता है एडवेंचर में अगर करना है तो लद्दाख एक सबसे ज़्यादा पॉइंट हो सकता है एडवेंचर के लिए, एक्सट्रीम जो लोगों ने अभी देखा ही नहीं है, जो एक्सप्लोर्ड ही नहीं है। दूसरा जो मुझे लगता है यार कश्मीर, कश्मीर लोगों ने खाली श्रीनगर देखा है, उसके अलावा नहीं देखा ज़्यादा, पहलगाम देख लिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। कश्मीर कहते हैं ना हेवन है, जिसको हम स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, एक्चुअली में स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा बेटर है, लेकिन एक्सप्लोर नहीं किया गया क्योंकि वो कंडीशन सिचुएशन सभी ऐसी हैं। आने वाले टाइम पे कश्मीर इतना खूबसूरत है, अगर जैसे जैसे लोग अंदर जाएंगे, देखेंगे, अनएक्सप्लोर्ड जगह देखेंगे, तो मुझे लगता है कश्मीर एक बहुत ज़्यादा उभर के आने वाला है। तीसरा जो मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट, जो इस समय हर बाइकर्स की लिस्ट में है, हर बाइकर की लिस्ट में इस समय नॉर्थ ईस्ट है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, उसको भी कम से कम अगर आप तसल्ली दोगे ना, कम से कम 3 महीने चाहिए, मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको, ये नहीं है कि आपको कि मैंने 15 दिन में एक नॉर्थ ईस्ट कर लिया तो मैंने बहुत कर लिया। मेरे कई फ्रेंड्स हैं 65 डेज अपनी 150cc पे घूम के आए हैं, सेला पास करा है, अपनी 150cc बाइक के ऊपर 60 डेज का ट्रिप मार के आए हैं, उत्तराखंड से हैं वो भी, तो वो भी अभी कहते हैं यार अभी नहीं किया, अभी थोड़ा सा रहता है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आज के हिसाब से देखें तो बहुत कम जगह है एडवेंचर टूरिंग के लिए, लेकिन जैसे जैसे ये लोग जा रहे हैं, यूट्यूबर्स जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के साइड लद्दाख एक्सप्लोर, आने वाले 3-4 साल में हमें ऐसी ऐसी जगह देखने को मिलेगी इंडिया में अनएक्सप्लोर्ड एडवेंचर के लिए, जो मतलब कि मैं वही बता रहा हूँ जिस वजह से एडवेंचर बढ़ेगा इंडिया में, तो वही एक रीज़न है, लेकिन आने वाले 2-3 साल में कुछ अलग लेवल होगा। तो ये तो हो गई अगले 5 साल में मोटरसाइकिलिंग की बात, अगले 5 साल में ड्रीम चेजर क्या प्लान करके बैठे? 5 साल में मैं बोल नहीं सकता मैं कहाँ पर हूँगा, क्योंकि मैंने 3 साल पहले नहीं सोचा था, 2 साल पहले इनफैक्ट कि मैं कहाँ पर हूँ, तो आगे 5 साल में मुझे नहीं पता। कोशिश यही रहेगी मैं रेगुलर प्रोड्यूस करता रहूँ, वीडियोस अच्छी बनाता रहूँ, मेहनत करता रहूँ, और बहुत जल्दी दोबारा आऊँ यहाँ पर। क्या बात है, ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। मुझे तो बात करके भैया बहुत अच्छा लगा,
आपके साथ, आप बता दो आपका एक्सपीरियंस कैसा? यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था एक्चुअली. मैंने टू बी वेरी फ्रेंक आज तक कभी ना किसी के साथ ना ऐसी बातें की नहीं, मतलब ऐसी क्या बाइकिंग से कभी ऐसी जितनी डीप हमने बातें करी. जो मुझे सारी बातें याद आई 2015-16 मेरी फर्स्ट राइड कब स्टार्ट की, मेरे फर्स्ट गियर कब थे, मेरी राइडिंग के खर्चा का कभी मैंने, मतलब जो मैंने कभी किसी का शेयर नहीं किया ना वो आज इस जगह पे कर रहा हूँ. एज अ यूट्यूबर भी यार मेरे कम से कम 150 वीडियोज़ होंगी, मैंने आज तक कभी बात नहीं की. 150 वीडियोज़ में आप कह सकते हो मैंने कभी बात नहीं की, लेकिन ये पॉडकास्ट का मैजिक बोल सकते हो, अपना मैजिक बोल सकते हो कि ये बातें हमने सारी शेयर करी. तो मतलब मैंने एक चीज़ तो करवा दी है भाई, ड्रीम चेजर आगे पॉडकास्ट जरूर सुनेगा. बिल्कुल सुनेगा, डेफिनेटली सुनेगा आगे इन फ्यूचर. थैंक यू सर, थैंक यू, आप आए, बहुत अच्छी बात. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. बिल्कुल, तो कोशिश करेंगे अभी रैप अप करते, कोशिश करते हैं जब 1 मिलियन हो जाएंगे फिर दोबारा मारे क्यों नहीं, क्यों तब और शेयर करेंगे. अच्छे, 10,000 की बात, हर 10,000 की बात. चलिए सर, दैट्स इट फॉर टुडे. I hope you liked what you listened. For more such conversations, please subscribe to 4Spokes. And also, don't forget to follow 4Spokes on Facebook, Instagram and Twitter. Till next time, this is me, Vaibhav, signing off. You take care.